नमस्कार, मैं हूँ निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज मैं बात कर रही हूँ ऐसे शख्स के बारे में जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। अपनी नौकरी के लिए सबसे दुर्गम क्षेत्र चुना जहाँ पर ना तो सड़क थी ना ही कोई आने जाने की सुविधा। वहाँ पर नदी नाले थे लेकिन उन्हें पार करने के लिए कोई पुल नहीं था। वह लोगों का अक्सर इलाज करने के लिए पैदल या फिर साइकिल से ही जाया करते थे। ऐसा वह पिछले 15 सालों से उसी क्षेत्र में रहकर आदिवासियों की सेवा कर रहे हैं। यह है छत्तीसगढ़ के बस्तर का नाम सुनते ही विचार जहन में आता है माओवादियों से प्रभावित क्षेत्र जिसमें 200 गांव की सुरक्षा सिर्फ एक ही शख्स पर है, वह है डॉक्टर भैसेस रामटेके। डॉक्टर भैसेस रामटेके ने 2003 में रायपुर में अपनी MBBS की पढ़ाई की और उसके बाद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में काम करना शुरू कर दिया। उनकी पहली पोस्टिंग हिंसा प्रभावित अंतगढ़ ब्लॉक में हुई। यह वह इलाका है जहां अराजकता के भय से कोई भी आना जाना नहीं चाहता है। यहां के अस्पताल में काम करना मानो मौत से मुलाकात के बराबर होता है। अंतगढ़ ब्लॉक में 200 गांव आते हैं जिनमें से 95% आबादी आदिवासियों की है। घने जंगलों से अत्यंत प्रभावित यह क्षेत्र पिछड़ा है जहां पर सड़क संचार की कोई भी सुविधा नहीं है। इन सबके बावजूद भी डॉक्टर रामटेके ने लगातार 15 वर्षों से अंतगढ़ के स्वास्थ्य केंद्र में काम कर रहे हैं। उन्हें लोगों के इलाज के लिए कभी नदी पार करके जाना पड़ता है तो कभी खतरनाक रस्सी से बने पुल से गुजरना पड़ता है, कभी वह साइकिल से तो कभी पैदल ही 10-15 किलोमीटर चलकर जाते हैं। वर्षा के दौरान गांव केंद्र से कट जाते हैं जिसमें लोगों तक पहुंचना और भी जटिल हो जाता है। ऐसे ही परिस्थितियों में डॉक्टर रामटेके ने अंतगढ़ के ब्लॉक में विस्फोट और कर्फ्यू को पास से देखा है। यह जानलेवा परिस्थिति भी डॉक्टर रामटेके की जुनून को और जज्बा को डगमगा नहीं पाई है। वह लगातार निरंतर पूरे जुनून के साथ आदिवासियों की सेवा में लगे हुए हैं। अंतगढ़ के ब्लॉक के सरकारी अस्पतालों में महिलाओं के लिए कोई भी विशेष डॉक्टर नहीं है। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए डॉक्टर रामटेके ने आपातकालीन महिलाओं के लिए शिशु केयर के लिए 6 महीने का EMOC प्रमाण का आवेदन किया है जिससे कि गर्भवती आदिवासी महिलाएं भी लाभ उठा सकती है। आदिवासी लोगों को डॉक्टर रामटेके ने हैजा मलेरिया जैसी महामारी से बचाया है और जंगलों में ही शिविर लगाया है और वहाँ पर रहकर लोगों को इलाज किया है। डॉक्टर रामटेके किसी से शुल्क नहीं लेते हैं, वो निस्वार्थ होकर लोगों की सेवा करते हैं। उनका 10 साल में 3 बार ट्रांसफर किया गया लेकिन आदिवासियों ने प्रशासन से याचना करके उनका ट्रांसफर रुकवा दिया, जहाँ तक की सरकार ने उन्हें MBO पद पर प्रसन्न किया लेकिन उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। उनका यह दृढ़ संकल्प है कि वह आदिवासियों की निस्वार्थ होकर सेवा करेंगे, उसी जुनून के साथ वे वहां रहेंगे। उनका दिल यह स्वीकार नहीं करता कि वे आदिवासियों को असहयोग बिना किसी सहयोग के छोड़कर वे चले जाएं। आदिवासी उन्हें भगवान की तरह मानते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।